हुआ है एडमिशन काउंसिल एंड महल डिजाइन इंस्टीट्यूट, उनके डायरेक्टर मिस्टर अबाद अली सर यहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ड्रीम्स प्रेजेंट अयोध्या टैलेंट हंट मार्केटेड बाय एडमिशन काउंसिल एंड को पावर्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया पावर्ड बाय स्टाइलर। एंड हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़े हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो अभी यहाँ पे न्यू ऑडियंस आई है, मैं आपको बता दूँ हमारे पास एक सेलिब्रिटी हमारे सामने है, सेलिब्रिटी जज मिस्टर ऋषि अरोड़ा सर आपके सामने है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर ऋषि अरोड़ा सर। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर इंदर मोटवानी सर, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है 22nd आज से लेकर के, मतलब हम लोगों ने जब इसकी स्टार्ट करी थी अयोध्या टैलेंट हंट की, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ अयोध्या टैलेंट हंट का मेन मोटो क्या है, आज सब लोग आप जान जाइए आपको पूरा इसका मेन मोटो। बहुत लोगों ने मेरे सवाल किया इसका विनिंग प्राइस क्या है, क्या चीज़ हमें मिलेगा, यहाँ से क्या हम ग्रैब करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म कर रहे हो, यही आपके लिए विनिंग प्राइस होगा। आप एक सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करोगे, यहाँ से जितने भी फाइनलिस्ट निकलेंगे वो एक सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे जो भी फाइनलिस्ट होंगे वो डायरेक्टली 22nd को परफॉर्म करेंगे सेलिब्रिटी के सामने। साथ ही साथ इसमें अगर कोई भी परफॉर्मर बेस्ट हुआ तो उसको टीवी शोज या फिर हमारे शॉर्ट फिल्म्स और जितने भी हमारे नॉर्मल शॉर्ट फिल्म्स यहाँ पे अयोध्या में शूट्स होती हैं उसमें रोल मिल सकता है। यहाँ पे जितने एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, ओवरऑल आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी सेमीफाइनलिस्ट हैं, अगर आप लोगों को यहाँ से निराश होकर नहीं जाना, अयोध्या टैलेंट हंट एक ऐसा मंच है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, एक ऐसा मंच है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप सबको सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, मिला ना। साथ ही साथ आप सब लोगों को सेमीफाइनलिस्ट का, अगर आप लोग यहाँ से सेलेक्ट नहीं होते हैं, नहीं भी होते हैं, आप लोगों को एक सेमीफाइनलिस्ट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप लोग यहाँ तक आए, यहाँ आपने परफॉर्म किया, उसका एक सर्टिफिकेट होगा, एक पर्टिकुलर डेट अभी हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से डिसाइड करके आपको बता देंगे और लोकेशन बता देंगे, उस टाइम पर आप लोग अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मिस्टर इंदर मोटवानी सर, जिनका ड्रीम्स एनर्जी चैम्बर है आप सब लोग जानते होंगे, वो यहाँ पे आए, उनका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ। न्यू स्टार के हमारे पंकज त्रिपाठी सर वो हैं, हमारे साथ साजन सर है जो कि हमारे काफ़ी रेप्यूटेड आपके जज हैं सिंगिंग के, साथ ही साथ लवलेश सर हैं जो कि जिन्होंने आपका डांसिंग का ऑडिशन लिया, हमारे साथ हमारी एंकर खुशी मैम एंड सृष्टि यादव हैं। आपने हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देखा ही होगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मानता हूँ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी हमारे साथ एक जुड़े हैं न्यू स्पॉन्सर द न्यू पराग रेस्टोरेंट, वो आपका बाहर स्टॉल उनका लगा हुआ है, अगर आपको थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट चाहिए तो आप उनका स्टॉल विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और मेरा नंबर आपके पास होगा ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई नो गर्मी बहुत है, बहुत सारी मतलब सफोकेशन हो रही हैं, बट मैं आपसे एक वादा करता हूँ 22 का इवेंट जो होगा वो इससे कई गुना बेटर होगा। ग्रैंड फिनाले इज मोर बेटर देन दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।